गुड मॉर्निंग हिमाचल, सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। एक तरफ बची जान, दूसरी तरफ लग गया जाम। नशे का व्यापार करने वाले सलाखों के पीछे। युवाओं की लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। किरतपुर नेरचौक फोरलेन के जुगात खाना नामक स्थान पर सुबह सवेरे लोहे के एंगल से लदे एक ट्रक के सड़क में पलट जाने से फोरलेन पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे फोरलेन पर लंबा जाम लग गया तथा पर्यटकों सहित अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने तब तक वाहन चालकों को पुराने NH 205 चंडीगढ़ मनाली से उनके गंतव्य की ओर भेजा। करीब 8 घंटे की लंबी जदोजहद के बाद कहीं जाकर ट्रक को एंगल सहित सड़क से किनारे किया जा सका और तब कहीं जाकर फोरलेन बहाल किया जा सका। जाम के कारण सुबह से घनी धुंध के बीच फोरलेन के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बाद में NHAI की मशीनरी की सहायता से ट्रक को सड़क से किनारे करके जाम खुलवाया गया। लगभग सुबह 4 बजे से रोड बंद है। एक ट्राला जो पता नहीं है उसका टायर पंचर हुआ, उसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन जो NHAI की टीम है उन्होंने खुलवा दिया है। इसके लिए प्रशासन पुलिस और गार्ड का भी साथ और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशा के सरगना को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस ने 23 दिसंबर को अमनी में एक कार सवार से 1 किलो 43 ग्राम चरस की खेप बरामद की थी तथा श्यामलाल निवासी मंडी के जिलहन के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह खेप सोहन सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी जवाली के टियुकरी को दी जानी थी। सोहन सिंह की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी लेकिन सोहन सिंह पुलिस को चकमा दे रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह को घाटी बैरियर नजदीक पोंग डैम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोहन सिंह की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि सोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया है तथा उसकी संपत्ति की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी सोहन सिंह से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी तथा कहां कहां उसके द्वारा खेप दी जाती है उसका भी पता लगाया जाएगा। किरतपुर नेरचौक फोरलेन के जुगात खाना नामक स्थान पर सुबह सवेरे लोहे के एंगल से लदे एक ट्रक के सड़क में पलट जाने से फोरलेन पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे फोरलेन पर लंबा जाम लग गया तथा पर्यटकों सहित अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने तब तक वाहन चालकों को पुराने NH 205 चंडीगढ़ मनाली से उनके गंतव्य की ओर भेजा। करीब 8 घंटे की लंबी जदोजहद के बाद कहीं जाकर ट्रक को एंगल सहित सड़क से किनारे किया जा सका और तब कहीं जाकर फोरलेन बहाल किया जा सका। जाम के कारण सुबह से घनी धुंध के बीच फोरलेन के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बाद में NHAI की मशीनरी की सहायता से ट्रक को सड़क से किनारे करके जाम खुलवाया गया। आज इंदिरा भवन बिलासपुर के अंदर जिला युवा कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हमारे जिला बिलासपुर के प्रभारी OP ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष रजनीश मेहता जी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के प्रभारी नमन जी व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व महासचिव मोहित शर्मा जी ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज करवाई। आज की जो ये बैठक थी इसका जो अहम मुद्दा था वह लोकसभा चुनाव थे। सर्वेदित है कि कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है उससे संभवतः
जो आगामी लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी और हमारे युवा साथी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ेंगे और देश के अंदर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित होगी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।